गाइज, आज की इस वीडियो में हम साउथ सिनेमा के नंबर वन डायरेक्टर SS राजामौली की और फिल्मों के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने कितनी फिल्में करी है और कितनी फिल्म ब्लॉकबस्टर रही है। गाइज, वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। रियल नेम SS राजामौली। डेट ऑफ बर्थ 10 अक्टूबर 1973। प्लेस ऑफ बर्थ रायचूर, कर्नाटक। नंबर ऑफ मूवीज 14। चलिए अब उनकी फिल्मों के बारे में बात करते हैं। नंबर वन, स्टूडेंट नंबर वन। इस मूवी में हमको जूनियर NTR, राजीव कानाकला, ब्रह्मानंद, कोटा श्रीनिवासन राव, गजाला देखने को मिले थे। यह मूवी 27 सितंबर 2001 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 1.80 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई की थी पूरे 12 करोड़ रुपए की और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। नंबर टू, सिम्हाद्री। इस मूवी में हमको जूनियर NTR, भूमिका चावला, अंकिता, निसार, मुकेश ऋषि, राहुल देव देखने को मिले थे। यह मूवी 9 जुलाई 2003 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 8 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई की थी पूरे 35 करोड़ रुपए की और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। नंबर थ्री, सायद। इस मूवी में हमको नितिन, जेनेलिया डिसूजा, प्रदीप राम सिंह राजपूत, शशांक, वीनू माधव देखने को मिले थे। यह मूवी 23 सितंबर 2004 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 10 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई की थी पूरे 15 करोड़ रुपए की और यह मूवी एक हिट मूवी थी। नंबर फोर, छत्रपति। इस मूवी में हमको प्रभास, श्रिया शरण, प्रदीप राम सिंह रावत, सुप्रीत रेड्डी, कोटा श्रीनिवास राव, भानुप्रिया देखने को मिले थे। यह मूवी 30 सितंबर 2005 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 12 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई की थी पूरे 26 करोड़ रुपए की और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। नंबर फाइव, विक्रमार्कुडू। इस मूवी में हमको रवि तेजा, अनुष्का शेट्टी, विनीत कुमार, प्रकाश राव, राजीव कानाकला, रघु बाबू, ब्रह्मानंद देखने को मिले थे। यह मूवी 23 जून 2006 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 11 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई की थी पूरे 30 करोड़ रुपए की और यह मूवी एक सुपरहिट मूवी थी। नंबर सिक्स, यामाडोंगा। इस मूवी में हमको जूनियर NTR, प्रियमणि, मोहन बाबू, ममता मोहनदास, अली देखने को मिले थे। यह मूवी 15 अगस्त 2007 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 10 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई की थी पूरे 37 करोड़ रुपए की और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। नंबर सेवन, मगधीरा। इस मूवी में हमको रामचरण, काजल अग्रवाल, श्रीहरि, देवगिल, सुनील, सलोनी असवानी देखने को मिले थे। यह मूवी 30 जुलाई 2009 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 40 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई की थी पूरे 150 करोड़ रुपए की और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। नंबर एट, मर्यादा रमन्ना। इस मूवी में हमको सुनील, सुप्रीत रेड्डी, सलोनी असवानी, नगीनी दू, ब्रह्माजी राव, रमेश देखने को मिले थे। यह मूवी 23 जुलाई 2010 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 12 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई की थी पूरे 40 करोड़ रुपए की और यह मूवी एक सुपरहिट मूवी थी। नंबर नाइन, रजाना। इस मूवी में हमको नागा अर्जुना, स्नेहा, श्वेता मेनन, मुकेश ऋषि, प्रदीप राम सिंह रावत, नासर देखने को मिले थे। यह मूवी 21 दिसंबर 2011 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 14 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई की थी पूरे 22 करोड़ रुपए की और यह मूवी एक हिट मूवी थी। नंबर 10, ईगा। इस मूवी का हिंदी डब में मक्खी नाम है। इस मूवी में हमको सुदीप, नन्नी, सामंथा प्रभु, आदित्य, श्रीनिवासा रेड्डी देखने को मिले थे। यह मूवी 6 जुलाई 2012 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 35 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई की थी पूरे 130 करोड़ रुपए की और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। नंबर 11, बाहुबली पार्ट वन। इस मूवी में हमको प्रभास, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना, राणा दागुपति, राम्या कृष्णन, नस्सर, सत्यराज देखने को मिले थे। यह मूवी 10 जुलाई 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 180 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई की थी पूरे 650 करोड़ रुपए की और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। नंबर 12, बाहुबली पार्ट टू। इस मूवी में हमको प्रभास, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना, राणा दागुपति, राम्या कृष्णन, नस्सर, सत्यराज, चरणदीप देखने को मिले थे। यह मूवी 28 अप्रैल 2017 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 250 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई की थी पूरे 1800 करोड़ रुपए की और यह मूवी एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी थी। नंबर 13, RRR। इस मूवी में हमको रामचरण, जूनियर NTR, अजय देवगन, आलिया भट्ट देखने को मिले थे। यह मूवी 24 मार्च 2022 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 550 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई की थी पूरे 1175 करोड़ रुपए की और यह मूवी एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी थी। गाइज, आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।